आज कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो आपके शायद होश उड़ा देगा। इस पॉडकास्ट को पूरा सुनना, बीच में चेष्टा करोगे, तुम्हारा मन, तुम्हारा अवचेतन मन चेष्टा करेगा, क्योंकि प्रवृत्तियाँ तुम्हारी ऐसी पड़ी हुई हैं वीडियो देखने की, चेष्टा करेगा कि भाई हटो यहाँ से। तो हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो वीडियो भी कर सकता हूँ, स्टंट मार सकता हूँ दोबारा, अभी दोबारा मारूंगा अभी मैं, देखना फिर क्या होने वाला। आप लोगों ने कहा कि आप काफ़ी लालची हैं, तो देखिए अभी मैंने फिर से पॉडकास्ट किया, तो पिछले 2-3 साल से मैं पॉडकास्ट कर भी नहीं रहा, करीब पॉडकास्ट ही कर रहा हूँ, वीडियो तो कर ही नहीं रहा हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैं इस चैनल को ग्रो नहीं कर सकता, तो अभी कुछ स्टंट्स आने वाले हैं अगले कुछ 2-3-4 दिन में, तो उन स्टंट्स को देखिएगा, है ना। आज का जो पॉडकास्ट है कुछ ऐसी चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करेगा आपका, जहाँ पे हो सकता है आप इस एंगल से कभी देखा ना हो, लेकिन आपको काफ़ी मदद सहायता मिलेगी अपने जीवन को और समझने में, मन को समझने में, ऊर्जा को समझने में, क्योंकि जीवन शक्ति ही समझना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो हम उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, राइट। तो आज का जो एक बड़ा अच्छा लर्निंग मैं आपको देने जा रहा हूं, वो अब आरंभ करते हैं। देखिए, जब मैंने किसी भी चीज की जब भी कभी भी चेष्टा करी, चाहे वो संगीत में ग्रो करने की हो, आज मेरा पेज जो है वो बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने पेज ग्रो किया, लोग कहते हैं गलती से हो गया, गलती से मेरे से कुछ नहीं होता है, गलती से लोगों के साथ सक्सेसफुल, गलती से लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, मैं गलती से सक्सेसफुल नहीं होता। पर इंस्टाग्राम में जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ध्यान से हो रहा है, जो भी हो रहा है, एनीवे दैट इज़ भौतिक में चला जाऊंगा, ज़्यादा बोलूंगा तो, बट ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हुआ है एनीवे। तो एक और नई ऑब्जर्वेशन जो है उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। तो जब मैंने इस चीज़ को प्राप्त करने का सोचा, जैसे कि मैं बचपन से ही संगीतज्ञ बनना चाहता था, और फिर बहुत सारी चेष्टाएं थी, बहुत सारी मनोकामनाएं थी, उन मनोकामनाओं को की पूर्ति के लिए मैं किसी भी हद तक, मतलब पॉजिटिवली किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी था। और संसारी उपलब्धियां जो हैं वो हर कोई चेष्टा करता है, आप भी चेष्टा करते हैं, मैं भी चेष्टा करता हूँ, और कोई चेष्टा आध्यात्मिक चेष्टा होती है थोड़ी बहुत लोगों की, संसारी चेष्टा ज़्यादा होती है कि भैया हमें रेंज रोवर दिला दो, उसमें हम बैठेंगे और मज़ा आएगा, और उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, पहले रेंज रोवर आनी चाहिए, पहले आईफोन आना चाहिए, उसके बाद क्या होगा उसका नहीं पता हमें, वो हमने इमेजिन कर रखा है कि हमें ये हो जाएगा, हमें हम प्रूव करने चले जाते हैं, वी वॉन्ट टू प्रूव टू दिस वर्ल्ड दैट वी आर समथिंग, दैट इज़ द एंटायर थिंग, द एंटायर डिज़ायर टू बी समथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू ऑल द टाइम। नाना प्रकार के लोगों के मैंने उदाहरण दिए, इलॉन मस्क की 3 शादियां टूटी, अभी ध्रुव रति ने एक वीडियो भी करी इलॉन मस्क के ऊपर, किशोर कुमार की 4 शादियां हुई वो किसी ने नहीं देखा, लोग गाने सुनते हैं, बहुत सारी लड़ाई झगड़ा मारपीट, कोई ड्रग कर रहा है, कोई कोकेन कर रहा है, पीठ पीछे कोई मसाला बेच रहा है, कोई उनका बच्चा जेल चला गया कोकेन के चक्कर में, वो सब कोई ध्यान नहीं देता है, लोग बस ध्यान देते हैं कि अच्छा उनके पास ये फलाना धमकाना है, संसारी चीज़ें हैं, व्हाटएवर जो भी। तो आज उसी संसार में मैं कुछ अपना एक एंगल रखना चाहता हूँ जो आपके होश उड़ा देगा। देखिए, जब भी हम कुछ भी करते हैं, संसारी उपलब्धि हमें चाहिए, एनी मटेरियल पोजीशन वी वांट, उस पोजीशन में कुछ भी आ गया, आपके प्रॉपर्टी, आपका संसारी जो डिज़ायर्स हैं वो सारे आ गए, कोई रिलेशनशिप आ गया, कुछ भी आ गया, दुनिया की कोई भी पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, यश, बरकत, जो भी चाहते हो आप, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। तो हमें क्या है कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम जब भी कुछ भी पाना चाहते हैं तो हमें लगता है कि हम उसको पाएंगे और हमें एक बढ़िया लाइफ हमारी हो जाएगी। प्रॉब्लम ये नहीं है पाना, प्रॉब्लम ये है कि हम जब उसको पा लेते हैं फिर हम उसमें ट्रैप्ड इन हो जाते हैं, और ट्रैप्ड इन होने के बाद फिर हम निकलना मुमकिन नहीं है। इट्स लाइक अ जेल, कि आपको सिर्फ पनीर दिख रही है, आपको ये नहीं पता है पनीर इज जस्ट अ बेट, एक चारा है,
कि आपने 2 मिनट के सुकून के लिए पनीर खाने के चक्कर में आप एक पिंजरे में बंद हो रहे हो। तो संसार इसी तरीके का है। संसार क्या है, एक चूहे के पिंजरे की तरह है। जब आप पैदा होते हो तो आपको बहुत सारे पिंजरे दिखते हैं, अलग अलग पिंजरे, किसी का कार का पिंजरा है, किसी का प्रॉपर्टी का पिंजरा है, किसी का इलॉन मस्क की तरह एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को बहुत बड़ा संगीतज्ञ बनना है, जो कि अच्छी चीज़ भी करना भी चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये सब पिंजरा है, और उस पिंजरे में हमें पनीर तो दिख रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पिंजरा आप देख नहीं रहे हो। अब ये पिंजरा और पनीर क्या है पहले समझना ज़रूरी है। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, हमारे जीवन में 90s में इंटरनेट आया, तो ह्यूमैनिटी ने जब 90s में इंटरनेट डिस्कवर किया तो उनको लगा कि हमने कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ले आए, हम जिंदगी में हमने कुछ उखाड़ दिया और हमारा जीवन सेटल हो गया और हम बहुत खुश हो रहे हैं और बहुत बढ़िया चीज़। आज वही इंटरनेट लोगों के जीवन में श्रापित हो चुका है। आज सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोगों की जाने जाती हैं, आज सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, आज वीडियो देखने के चक्कर में लोगों के अंदर इतना ज़्यादा सेंसरी बम्बार्डमेंट हो गई कि लोग स्ट्रेस्ड या डिप्रेशन में जा रहे हैं, आज पोर्नोग्राफी हर किसी की जो है वायरल हो जाती है, आज पोर्नोग्राफी 70% पोर्नोग्राफी है, उसके चक्कर में आपके हस्त मैथुन की आदत लग गई गंदी वाली, उसके चक्कर में आपके एडिक्शन्स हो रहे हैं सोशल मीडिया के। लेकिन जब 90s में बनाया था तब तो बड़ा अच्छा था, तब तो सबने कहा इंटरनेट बहुत अच्छा है। तो इंटरनेट अच्छा है या इंटरनेट बुरा है? दोनों है, इंटरनेट अच्छा भी है, इंटरनेट बुरा भी है, समझने की प्रयास करना। थोड़ा सा डीप है, अपने ध्यान को थोड़ा बढ़ा लो। आप मेरे से पूछते हो सर मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूं शादी इज लाइक इंटरनेट। आप शादी कर रहे हो ये जान के कि शादी के कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप शादी करना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें देखते हो, शारीरिक आनंद देखते हो और मानसिक आनंद देखते हो। और जब आप शादी कर लेते हो तो आप पनीर खा लिया, अब पिंजरा पीछे बंद हो गया। मेरा सिंपल सा केस है आपसे कहने का कि आप शादी करिए, आप इंटरनेट बनाइए, आप न्यूक्लियर वेपन बनाइए, आप मंगल ग्रह जाइए, आप अमेजोन बनाइए, आप फ्लिपकार्ट बनाइए, आप दुनिया जहान की सारी चीजें बनाइए, लेकिन बना के ये मत सोचिए कि आपने कुछ उखाड़ दिया। आप बना के ये सोचिए कि इससे मैंने एक ऐसी पॉसिबिलिटीज पैदा कर दी हैं ह्यूमैनिटी के लिए जो श्रापित हो जाएंगी और मेरे लिए भी श्रापित हो जाएंगी। तो संसारी कोई भी उपलब्धि, एनी काइंड ऑफ मटेरियल इन्वेंशन और एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट और एनी काइंड ऑफ पोजेशंस, एनी काइंड ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, एनी काइंड ऑफ सक्सेस इज गोइंग टू ओपन द डोर्स ऑफ नेगेटिविटी ऑल्सो, बिकॉज यहां पे लॉ ऑफ डुअलिटी अप्लाइड है। शादी करना गलत नहीं है, शादी के ख्वाब जो देख रहे हो वो सिर्फ पॉजिटिव क्यों देख रहे हो तुम? शादी बहुत कुछ ऐसा भी लेके आती है जो तुम्हें शादी के बाद पता चलेगा। तो अब तो चूहा पिंजरे में फंस गया, अपने आप को चूहे की तरह देखो, और तुम्हें सिर्फ पनीर दिख रहा है, तुम्हें पिंजरा दिख ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं कि पनीर खाओ लेकिन पिंजरे में बंद होने की चेष्टा भी रखो। अगर तुम्हें पहले से ही पता है कि पिंजरे में बंद हो जाऊंगा और पनीर भी मिलेगा, दोनों चीजें हैं, तब जाके शादी कर रहे हो तब ठीक है। लेकिन अगर तुम सिर्फ पनीर देख के शादी कर रहे हो तो मेरा वहां पे वो ऑब्जेक्शन है। मेरा कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि इस दुनिया में जैसे ये पूरा का पूरा जो ग्लोब है, जो पृथ्वी नामक ग्रह है, यहां पे कुछ भी अगर अचीव होता है तो उसका एक नकारात्मक साइड भी खुलेगा। वो कुछ भी हो सकता है। हमने न्यूक्लियर वेपन बनाए अपनी रक्षा के लिए, रक्षा मंत्रालय हमने बनाए, बनाना सही भी है, जरूरी भी था, लेकिन हमने ये सोच के नहीं बनाए हैं कि इससे आने वाले समय में क्या दिक्कतें होने वाली, हमने ये सब बनाया है कि इससे आने वाले समय में क्या फायदे होने वाले। तो ये फायदे और ये नुकसान
ये उपलब्धियां और ये अनुपलब्धियां, ये अनुपलब्धियां कौन देखेगा, नेगेटिव साइड कौन देखेगा? मैं कह रहा हूं कुछ भी बनाओ, लैपटॉप बनाओ, कंप्यूटर बनाओ, मंगल ग्रह पे चले जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन उसकी अनुपलब्धियां कौन देखेगा? मंगल ग्रह पे जाने के नेगेटिव नेगेटिविटी क्या है, क्या आपको पता भी है नेगेटिविटी क्या है मंगल ग्रह पे जाने की? आपको भी पता भी नहीं है। आप एक ऐसे तारे से दूर जा रहे हो जो तारा हमारे मानसिक स्तर पे काफ़ी काम करता है, शारीरिक स्तर पे काम करता है, और वहाँ जाके तुम सोचते हो कि वहाँ तुम बच्चा पैदा करोगे तो उस बच्चे में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएंगी? आपको लगता है कि सूर्य से दूर रह के अच्छे से बच्चा पैदा हो जाएगा? आपको लगता है चंद्रमा का कोई प्रभाव नहीं होता है? आपको लगता है कि सूर्य का कोई प्रभाव नहीं होता मानव शरीर पे? क्या वहां पे नेगेटिविटी नहीं होगी? क्या वहां पे पेड़ होंगे? क्या वहां पे पानी होगा? क्या वहां पे वो वातावरण होगा? हम उस पैसे को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं पृथ्वी के लिए उसके लिए? अब हम ऐसे उसी को हम रूल्स लेके आ सकते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करें, हम इसी में रहें, इसी में मरें, हो ये जब पृथ्वी खत्म हो जाए मर जाए, हमें क्यों रीपॉपुलेशन जाना है? और ये हमें सोचना है कि साइंटिस्ट को सोचना है, सबको सोचना है, हम कुछ एडवांसमेंट कर रहे हैं। अरे एडवांसमेंट तो 90s में भी आपने किया था इंटरनेट के साथ, तो क्या हुआ? आपको पता था कि क्या नेगेटिव आएगा? नहीं पता था। पता कैसे नहीं था? अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते तो पता चल जाता कि इस इंटरनेट को मैं बना तो रहा हूं लेकिन इसके दुरुपयोग क्या हैं। हर चीज का सदुपयोग है, दुरुपयोग है। शादी करोगे दुरुपयोग है, सदुपयोग है। तो मैं कह रहा हूं शादी करो, पिंजरे में बंद हो जाओ, लेकिन पिंजरा भी तो देखो, पनीर तो देख रहे हो मानसिक और शारीरिक। अच्छा वो पनीर भी क्यों मैंने पनीर रखा? मैं चाहता तो बोल सकता था अल्टीमेट सोर्स ऑफ पनीर कि आपको मतलब अल्टीमेट आनंद, कंटिन्यूसली आनंद मिलता रहेगा। मैंने पनीर का एक छोटा टुकड़ा रखा है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब वो पनीर का टुकड़ा वहां पे खत्म हो गया तब क्या करोगे? आप एक ऐसे चूहे हो जिसको पनीर खिलाया जा रहा है, चलो ठीक है, अल्टीमेट पूरी जिंदगी पनीर खिलाया जाता है, बढ़िया था, हम बंद हैं तो क्या मतलब है, है ना? लेकिन आपको पनीर तो खिलाया गया लेकिन जो पिंजरा है वो नहीं खोला जा रहा है जब बंद हो गया तो। मतलब आप शादी करके गए एक लड़की के पास, आपने सेक्स किया, आपने मानसिक हक करके सो गए, आप सुबह चाय बना रही है आपके लिए उठ के, आपके जो भी वासनाएं थी वो आपने पूरी करी, ले लद्दाख घूम रहे हैं, R15 खरीद ली है, कावासाकी बजाज व्हाटएवर जो भी है, तुमने पीछे लड़की ने बाल खोल दिए, तुमने गोप्रो खरीद लिया और उसके बाद ऊपर लगा दिया, पीछे व्लॉग डाल दिया यूट्यूब पे, हनीमून पे जा रहे हैं, हाथ पकड़ पे पेरिस पे जा रहे हैं, तुमने सारी चीज़ें कर ली, ठीक है, जो भी तुम्हारी वासनाएं थी वो तुमने सारे वासनाओं का उत्पादन किया, उसकी उपलब्धि करी, सब कुछ किया तुमने। अब वो जब उसका रस खत्म हो गया तो पिंजरा तो खोलो। आप देख रहे हो कैसे संसार आपको फंसाता है? संसार एक चूहे के पिंजरे की तरह है, पनीर खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद और पिंजरा नहीं खुलेगा। इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया एडिक्शन से डी एडिक्ट हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। पोर्नोग्राफी छोड़ दोगे? नहीं छोड़ पाओगे। आपकी आईडी हैक कर ली जाएगी? हाँ कर ली जाएगी। हैकर्स को रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। क्राइम बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। बदले में क्या मिला? एक टाइम पास करने की मशीन। तो क्या मैं कह रहा हूं इंटरनेट को नहीं आना चाहिए था? मैं कह रहा हूं आना चाहिए था, लेकिन जब बनाया गया तो ये दिमाग में क्यों नहीं रखा गया कि ये भी आएगा? तो उस हिसाब से हम रिपरकशंस करते, उसके फिल्टर्स लगाते। देखिए चाहे फिल्टर लगाओ चाहे ना लगाओ तो कुछ नई प्रॉब्लम आ जाती। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक पावर की तरफ जा रहे हो। मैं मेरी बात ध्यान से सुनना, बेवकूफ हो तो सुन लो ध्यान से, 5वीं स्टैंडर्ड की हिंदी से बात कर रहा हूं, थोड़ा माइंड मत करना मेरे को, लेकिन सुन लेना ध्यान से। मैं कह रहा हूं किसी भी प्रेशियस चीज के पीछे अगर तू भाग रहा है जो कि पावर देती है तेरे को, जो कि तेरे को प्लेजर देती है, तो तेरे को एक पिंजरे में बंद किया जाएगा। वो पिंजरा कुछ भी हो सकता है, मानसिक पिंजरा, शारीरिक पिंजरा। अब ह्यूमन ऐसा करता क्यों है? क्योंकि ह्यूमन डिजायर्स को एज अ आनंद देखता है। फेमस, आई वॉन्ट टू बी फेमस, आई वॉन्ट टू बी फेमस, आई वॉन्ट,
आई वॉन्ट टू बी फेमस, आई वॉन्ट टू फेमस, फेमस, फेम 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 फेम। अबे क्या बोलूँ अब मैं, फेम का कभी नकारात्मक साइड देखा है तूने? तू अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों को लेकर निकल भी नहीं सकता कहीं। तू अगर नरेंद्र मोदी को कुछ बोलेगा सुबह 5 बजे कि ये है तेरे अच्छे दिन, तो तेरे पास मीडिया खड़ी हो जाएगी, तू जेल में जाएगा। वहीं साला कोई जो अनफेमस आदमी है वो बोल रहा है, वो भी बोल रहा है प्रधानमंत्री को, हर कोई प्रधानमंत्री को बोल रहा है, लेकिन वो जेल नहीं जा रहे हैं, तुम जाओगे जेल। तुम शराब पी के फोटो तुम्हारी अगर खिंच गई तो तुम्हें लोग जज करेंगे, लेकिन वही साला कोई पंटर आदमी माधुरी पी के पड़ा हुआ उसकी कोई नहीं पड़े, वही साला कमेंट कर रहा है, लोग जज करेंगे तुम्हें, लोग खुद भी वही कर रहे हैं। फेम का नकारात्मक सा साइड सुनना है, तुमको पॉजिटिव देखना चाहते हैं लोग, जबकि पॉजिटिव तुम हो ही नहीं, तुम भी नेगेटिव है तुम्हारे अंदर। वो नेगेटिव जैसे ही वायरल हुआ तो लोग तुमको ऐसा चापड़ मारेंगे, ऐसा चापड़ मारेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, सारी की सारी फेम तुम्हारी पिछवाड़े में घुस जाएगी। वही आदमी दारू पी रहा, वही आदमी कोकेन कर रहा, वही आदमी चरस पी रहा, वही आदमी गांजा पी रहा है, तुम्हारे गांजा पीने वाली फोटो निकल गई, तुमको लोग जज करेंगे, और वही आदमी तुमको भी जज करेगा जो खुद भी गांजा पी रहा है। देखो कितना घिनौना इंसान है, अरे क्या घिनौना इंसान है, तूने किसी का ब्रेकअप नहीं किया, तूने एक अमीर आदमी से शादी नहीं करी, तेरा बॉयफ्रेंड फांसी लगा लिया, तेरे को इतना प्यार करता था, तूने शादी नहीं करी क्या? तू जो कमेंट कर रही है किसी की शादी पे, ट्विटर कर रही है किसी को, इंस्टाग्राम कर रही है किसी को, तूने किसी को धोखा नहीं दिया? तू किसी के साथ नहीं सोई आज तक? तूने किसी को आज तक दिल नहीं दुखाया? तूने तेरे अभी वायरल करूं? तूने वाइब्रेटर नहीं खरीदा है? तेरा वाइब्रेटर वायरल करूं अभी मैं? मेरा वाइब्रेटर वायरल हो रहा है तो भाई तू सब लोग जज कर रहे हो बैठ के। तूने किसी की बुराई नहीं करी? तूने किसी को रिक्शे वाले को कभी मारा नहीं? तू नहीं झूठ बोलती है? तेरे अगर वायरल करूं सारी उठा उठा के तो क्या होगा? सेलिब्रिटी को क्यों जज कर रहे हो? प्रसिद्ध होना है हर एक सेलिब्रिटी को, अरे प्रसिद्ध हो जाओगी? अरे भैया प्रसिद्ध हो जाओ, ठीक है प्रसिद्ध हो, ये रिपरकशन भी तो देख लो, नकारात्मकता भी तो देखो। एक मनीष नाम का लड़का तुमसे प्यार करता था, 10 साल उसने तेरे को प्यार किया, वो बेचारा 50 कमाता था, तू सुंदर थी, तूने 50 लाख वाले पे शादी कर ली, तेरा वायरल करूं अभी कि तेरी कहानी वायरल करूं, तेरी फोटो वायरल करूं? बड़ी दूसरों की वायरल पोर्नोग्राफी देखती है, तेरी जो तेरे बॉयफ्रेंड ने बनाई हुई है वो वायरल हो जाए तो? हाय कितना मेकअप कर रखा है, तूने मेकअप नहीं किया आज तक? तुम्हारी नेगेटिविटी कौन दिखाएगा? तो ये है भाई साहब, ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए, अभी बहुत सारे उदाहरण बना दूंगा बैठे बैठे। अब बताओ फेमस होना है? अच्छा पैसे पे आ जाओ, ऐसे पैसे की बहुत सारी उल्ट नकारात्मक साइड है, पैसा आता है सच्ची मोहब्बत खत्म हो जाती है, लोग अफेयर करने लगते हैं, वही पति आपके पास लॉयल रहेगा, जैसे वो पति सक्सेसफुल होगा पैसा आएगा, वो पति दूसरों के साथ गमन करने लगेगा, वो पति पुराना दोस्त उसको भूल जाएगा, नया दोस्त बना लेगा, सारी बचपन की दोस्ती पिछवाड़े में घुस जाएगी, सारे बचपन का प्यार पिछवाड़े में घुस जाएगा। अब बताओ नकारात्मकता साइड दिखाऊं तुम्हें पैसे का? देखा तुमने ये पैसा कमाने से पहले? देखा तुमने ये प्रसिद्ध होने से पहले? क्यों क्यों नहीं देख रहे हो? पैसा कमाओ, प्रसिद्ध भी हो जाओ, पहले देख तो लो, दोनों साइड देखो ना। तुमने ये नहीं देखा कि तुम रिक्शे वाले को डायबिटीज नहीं होता, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती, सारे बीएमडब्ल्यू वालों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बीमारी है ज्यादातर लोगों को? क्यों? तुमने ये नहीं देखा कि पैसा आपको ज्यादा कंफर्ट कर देता है, आपके अंदर बीमारियां ले आता है? कितने सारे बड़े बड़े शेयर मार्केट के लोग मरे, सब मोटे हो गए सारे, शेयर मार्केट बैठे बैठे पैसा आ रहा है, क्या दिक्कत है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बड़ा प्लेजर मिलता है, ऐसी बॉडी में बड़ा प्लेजर मिलेगा तुम्हें लगता है?
वो जिस चीज से आपको मजा आता है इस संसार में, वही चीज आपकी सजा बनती है। आप सब कुछ करो लेकिन ये पूरे अंजाम जानने के बाद करो। आप पनीर का टुकड़ा खाओ लेकिन पिंजरा भी तो देखो। आप सब कुछ पाओ, उपलब्धि करो, आपको अरिजीत सिंह बनना अरिजीत सिंह बन जाओ। अरिजीत सिंह का रिपरकशंस नहीं है, सोनू निगम बनने का रिपरकशन नहीं है, प्रधानमंत्री बनने का रिपरकशन नहीं है, माइकल जैक्सन मर गया, चेस्टर बेनिंगटन मर गया, वो सब रिपरकशन नहीं है। हैच लेथर इतना बड़ा एक्टर मर गया, क्यों मरा कभी सोचा तुमने? तुम्हारी एक्टिंग तुमको तृप्ति देगी तो मसाला क्यों खा रहे हो, कोकेन क्यों कर रहे हो? इतने बड़े एक्टर बन तो गए हो, क्या हो गया? इतने बड़े सिंगर बन गए हो, गांजा क्यों पी रहे हो? सारे सिंगर गांजा बन, जितने भी सिंगर, ये लाइव म्यूजिक इंडस्ट्री है, मैं फेमस सिंगर्स की बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जितने भी सिंगर्स के साथ आज तक गया हूँ सब गांजा पी के स्टेज पे चढ़ते हैं, जितने भी सब, तो गांजा पी रहे हो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी स्टेज पे आने के लिए, अब स्टेज पे आके तुम गांजा पी रहे हो। अगर तुमको गांजा ही अल्टीमेटली चाहिए तो पहले पी लेते, ये करने की जरूरत क्या थी? या फिर ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया कि क्या गांजा में भी वो चीज़ है? क्या तुम्हारे संगीत में जो सो कॉल्ड सारे गामा पादा नहीं सादा नहीं था, इसमें वो चीज मिलेगी तुम्हें? प्रश्न उठाओ, क्या आकांक्षा में प्यार है? क्या अपर्णा में प्यार है? प्यार मिलेगा लेकिन पनीर का टुकड़ा है, खत्म हो गया, पिंजरे बंद हो गए। जितने भी शादीशुदा लोग हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आज जितने भी शादीशुदा लोग मेरे को सुन रहे हैं, प्लीज नीचे कमेंट करें कि ये बात सही है कि गलत है। क्या शादी के बाद ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आ जाती हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते? अगर आप अपने जॉब छोड़ना चाहते हो, आप जॉब नहीं छोड़ पाओगे क्योंकि आपका बच्चा है। आप 10 बार सोचोगे, आपको जॉब करनी ही पड़ेगी। आप बिजनेस ट्राई नहीं कर सकते हो क्या? आपको ये नहीं पता है कि आपको पहले अपनी बीवी को 4 बार घुमाना पड़ेगा, तब जाके एक बार आपको आपकी बीवी अलाउ करेगी दोस्तों के साथ घूमने के लिए? क्या आप बाउंडेड नहीं हो? क्या आप अकेले कहीं जा सकते हो? क्या आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ गई, एक जिम्मेदारी, एक बोझ नहीं आ गया, एक पिंजरा नहीं आ गया आपके ऊपर कि आपको बच्चों का बीवी का ख्याल रखना है? और मेरा सिंपल सा ये नहीं कहने का मतलब है शादी खराब है, इसको ऐसे मत कंक्लूड करना शादी खराब चीज़ है या शादी अच्छी चीज़ है। शादी अच्छी है, शादी खराब भी है, ये अच्छा और बुरा देख के जाओ ना। अच्छा देख देख के क्यों जाते हो? इसको माया बोलते हैं। एक फ्रेगमेंट क्यों देखते हो रियलिटी का? रियलिटी का कंप्लीट रियलिटी क्यों नहीं देखते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि डिज़ायर को अचीव करने के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा? किससे? अपने माइंड की सफरिंग से। माइंड की सफरिंग अलग है, डिज़ायर प्लेजर अलग है। आप ये थोड़ा इसमें वो मत करो कि आई वॉन्ट टू प्रूव दिस वर्ल्ड दैट आई एम समथिंग, आई वॉन्ट टू प्रूव समबडी, आई वॉन्ट टू डू दिस दैट इज़ अ, यू कैन प्रूव इट एंड यू मे प्रूव इट, आई ब्लेस यू, यू शुड प्रूव इट, यू मस्ट डू इट, यू मे बी इट, दैट्स योर चॉइस, बट योर सफरिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पोजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। लेट मी टेल यू विद एन एग्जाम्पल। जब हम जेल में जाते हैं तो कभी भी सरकार आपको, आपको मैक्सिमम, आपको अगर सरकार को पनिशमेंट देना तो क्या करेगी? वो आपको भुगतान करने को बोलेगी। आपके पास अगर पैसा नहीं है, लेट्स से डिफेमेशन केस लग गया आपके ऊपर और आपके पास पैसा नहीं है, तो सरकार क्या करती है? दो चीज़ें करती है, आपका जीवन का सबसे मूल्यवान चीज़ जो है वो छीनती है आपसे। पता है क्या है? वो है फ्रीडम। आपको नहीं पता है, सरकार को पता है। सरकार को पता है आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लेकिन इंसान क्या करता है? ये EMI पे ये खरीद लो, पहले एक कार की ले लो, फिर आईफोन की EMI ले लो, फिर इसकी घर की EMI ले लो। उससे क्या होगा? हमारे पास घर हो जाएगा, हमारे पास एक गाड़ी हो जाएगी, हमारे पास बंगला हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा वो। उससे क्या होगा? हम बहुत खुश हो जाएंगे। खुश कैसे हो सकते हो तुम? कोई कैसे खुश हो सकता है? आपके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है पूरे टाइम। EMIs जो है वो आपको लगता है, संसार आपको ऐसा एहसास दिलाता है,
और इसमें प्रेशर बहुत सारे लोगों होता है, घर वालों का होता है, मम्मी पापा कहते हैं बेटा घर ले ले, बेटा घर ले ले, बेटा घर ले ले, बीवी कह रही है एक घर लेना चाहिए, एक बच्चा, सबको मना कर दो, कह दो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि मुझे फ्री रहना है। लेकिन तुमने अपने फ्रीडम का केक काट लिया, आपने क्या किया, जैसे ही आप ईएमआई लोगे आपकी फ्रीडम से एक केक का टुकड़ा कटेगा, राइट साइड पे आ जाएगा, कहाँ पे, वो आपका फ्रीडम का टुकड़ा कटता जाएगा। दूसरी ईएमआई लोगे एक और थोड़ा सा टुकड़ा कटेगा, आपका फ्रीडम का एक केक है, फ्रीडम को केक की तरह देखो, देयर इज अ परसेंटेज, लाइक 100% फ्रीडम आपको मिल रखी है। जैसे ही आप मटेरियल पोजेशन कुछ करोगे, कुछ भी मटेरियल हो, चाहे शादी हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे ही आप संसार में कुछ भी करोगे, इस पूरे को प्लैनेट पे कुछ भी अचीव करोगे, आपके 100% फ्रीडम में से 2-4% फ्रीडम कट जाएगी। उसके बाद आपने कार खरीद लिया, ईएमआई पर 2-4% फ्रीडम और कटी। अब किस चीज़ की फ्रीडम, फ्रीडम आपको लग रहा है कि आदमी फिजिकली तो जेल में तो है नहीं फ्रीडम, मैं मेंटल फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। आपको ना चाहते हुए भी अब आपको ईएमआई देनी ही देनी है, नहीं तो आप डिफॉल्टर हो जाओगे, आपका फाइनेंशियल हेल्थ डाउन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और आप हो सकता है आपको जेल भी हो जाए, राइट। तो ये तलवार कहाँ से लटक रही है, किसने लटकाई, आपके अपने डिज़ायर्स ने, आपके अपने डिज़ायर्स ने। आपके एक्टिंग के डिज़ायर ने, एक्टर बनने के डिज़ायर ने आपको कास्टिंग काउच करवाने पे मजबूर कर दिया। मुंबई में बहुत लड़कियां ऐसी आती, आपके प्रमोशन के चक्कर में आपका बॉस आपको फक करना चाहता है, आप क्या कर रहे हो, अपनी फ्रीडम जो है काट रहे हो, कट 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 कट। और आपने ये समझ लिया है कि डिज़ायर्स आपको फ्री करते हैं। देखो वो कह रहा है कि मुझे कार चाहिए, ये टेंशन हो रही कार चाहिए कार चाहिए कार चाहिए, आपने कार ले ली तो आप डिजायर से फ्री हो गए, आप डिजायर से तो फ्री हो गए, आपका डिजायर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन डिजायर से फ्री कोई हो पाया है क्या, डिजायर जैसे ही फ्री हो गए आप, एक उसका रिपरकशन नेगेटिव साइड ओपन अप हो जाएगा। हम ये क्यों नहीं देखते कभी, आपने कार ले ली ईएमआई पे, तलवार नहीं लटक गई आपकी, मेंटल फ्रीडम का क्या हुआ, अच्छा ठीक है आप बहुत अमीर हैं, क्या आप अमीर से सच्ची मोहब्बत खरीद सकते हो, क्या आप पैसे से सच्ची दोस्ती खरीद सकते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी बीवी को भगा देते हैं, नई बीवी ले आते हैं, अपने पुराने दोस्त को भूल जाते हैं, और फिर एकदम से एक ऐसे स्पेस में आ जाते हैं जहां पे उनका कोई है नहीं, अकेले हो जाते हैं। आपके पास पैसा तो आ गया लेकिन अकेलापन आ गया, आप पैसा कमाने के चक्कर में अकेलेपन से दूर भाग रहे थे, आपको घुमा फिरा के वो अकेलेपन पे ले आया, इस पैसे ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जो पैसा आपको आबाद कर रहा है। हर चीज का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइड होता है, इंसान पॉजिटिव साइड देख के एक्शन लेता है, थोड़ा समझने का कोशिश करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा मत कमाओ, शादी मत करो, ये मत करो, ऐसा मत सोचना, मैं कह रहा हूँ कि पूरी रियलिटी देख के शादी करो, मैं कह रहा हूँ पैसे की पूरी रियलिटी देख लो पहले, पूरी रियलिटी भी मत देखो, बस इतना, अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो तो कुछ भी तुम अचीव करना चाहते हो, हर एक चीज़ का एक नेगेटिव साइड है जो कि आपकी फ्रीडम के केक को काटेगा। 100% फ्रीडम अभी आपको मिल रखी है, 50% हो जाएगी एकदम, अगर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है तो परसेंटेज, उस हिसाब से परसेंटेज होगा, अगर घर ले लिया तो 25% फ्रीडम कट गई आपकी, अब आपके एक तलवार लटक गई आपके ऊपर। अब लेट से अगर आप अमीर हो, आप घर ले, तो आपको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका बच्चा अपंग पैदा हो गया, दिव्यांग, विकलांग पैदा हो गया आपका बच्चा, डिसेबल्ड। अब मुझे बताइए कि ये इससे कैसे बाहर निकलोगे, आपकी बीवी बांझ है, इनफर्टाइल है, इससे कैसे बाहर निकलोगे, अमीर हो तुम, अब बताओ मुझे। आपके बेटे को अस्थमा हो गया, स्टेरॉइड्स ले रहा, उसके शरीर खराब हो गया, अब इससे कैसे बाहर निकलोगे।
अमीरों की अपनी अलग समस्या है। जो अमीर होता है ना वो दिखाता नहीं। अमीरों की अपनी अलग समस्या है, गरीबों की अपनी अलग समस्या। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है, जिस चीज़ का भी आविष्कार हुआ, चाहे प्रेशियस हो, चाहे कोई डिज़ायर हो, कोई भी चीज़ हो जो पावरफुल हो, जो कि आपको कुछ देती हो, वट एवर, जो भी आपको कुछ देता है ना तो लेता भी। संसार, सिंपल सा मेरा कहने का मतलब है, संसार से कुछ अगर लोगे, पृथ्वी नामक प्लैनेट पे अगर आप कुछ भी लोगे तो आपको देना पड़ेगा। वो किससे दोगे? आप अपने फ्रीडम के केक से। तभी ओशो ने पूछा, वो शादी क्यों नहीं करी आपने? ओशो से किसी ने पूछा, वो कहते हैं मेरी फ्रीडम इज एब्सोल्यूट, मैं फ्रीडम अपना बांट नहीं सकता किसी के साथ, क्योंकि शादी करना एक गृहस्थ जीवन में जाना अपनी फ्रीडम को चुनौती देना है। अब आपको ना चाहते हुए भी आपको ऐसे इंसान के साथ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, जो फॉर्मेलिटीज आपको करना ही पड़ेगा। आप सत्य वहां पर वचन रख ही नहीं सकते। आपका मूड खराब है, अब सुनना ध्यान से, अब सुन लेना मेरी बात, बहुत भयंकर चीज बोल रहा हूं। आपका मूड खराब है, आपकी बीवी बगल में बैठी है, तो वो ये कभी नहीं समझेगी कि आपका मूड खराब है इसलिए आप गुस्सा कर रहे हो। आपको उस गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा या आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप घर में अकेले होते तो आपका मूड अपने आप सही हो जाता कुछ टाइम में, लेकिन क्योंकि आपका मूड अभी खराब है किसी बात पे, और मूड खराब होता है, तो आप अपनी बीवी पे चिल्ला नहीं सकते हो। वो कुछ भी होगा वो तुरंत आपके ऊपर चिल्लाएगी। कोई भी होगा, कोई दोस्त भी होगा, वो कहेगा भाई मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा है, कोई इंसान होगा भाई मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा है, वो समझेगा ही नहीं। आपका मूड खराब है, आप अपना 100% किसी चीज़ में नहीं दे पा रहे हो, राइट? आपका मूड खराब है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप कैसे अपनी बीवी आप जैसे बीवी ने कुछ बोला आपके मुंह से निकला और लड़ाई होना चालू हो गई। वो बीवी कभी समझेगी नहीं, क्योंकि इतना कोई किसी को नहीं समझता है कि नहीं नहीं इसका मूड खराब है इसलिए चिल्ला रहा मेरे ऊपर। क्योंकि समझने के लिए पहले सामने वाले को भी एट ईज, एट पीस होना पड़ेगा, एक शांति मन, शांत मन चाहिए। लेकिन वो उसका खुद ही का मन इतना चंचल हो रखा है कि जरा सा कुछ भी बोला ट्रिगर हो गया। आप कैसे, आप मुझे ये बता दो, दो लोग बिस्तर पर बैठे हुए हैं, आप अपने गुस्सा आपको आ रहा है, कोई कैसे समझेगा? क्या आप अपनी फ्रीडम का केक नहीं कटवा रहे हो? आप मुझे बताओ, शादी करके और मैं कह रहा हूं शादी, ऐसा नहीं शादी मत करो, शादी करो, लेकिन यह देख के जो मैं दिखा रहा हूं उसको देख के शादी कर लो ना। शादी करने के बाद आप सोचते हो सब कुछ अच्छा होगा? लड़ाइयां होती है भाई, खतरनाक, अच्छी खासी लड़ाइयां होती हैं। आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है किसी बात से, आपके ऑफिस का गुस्सा है या कुछ किसी ने कमेंट कर दिया, गुस्सा है किसी ने, कुछ कुछ गुस्सा भरा हुआ है, वो गुस्सा आप, कोई समझेगा आपका गुस्सा कि गुस्सा कर रहा है चलो इसको चिल्ला लेने दो? आप किसी के ऊपर चिल्ला सकते हो, आप कुत्ते को लात मार सकते हो, कुत्ता आपको चाटेगा। आप अपनी बीवी को लात मारोगे? आप अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करोगे वो समझेगी? आप समझते हो क्या? जब वो उसका मूड खराब होता है क्या आपको पता चलता है कि ये जानबूझ के गुस्सा कर रही है? इतना ध्यान देने की क्षमता है किसी की? पहले आप ऐसे रहते थे, चादर वादर आपका बिखरा रहता था, आप 4-5 दिन में एक बार चादर बदलते, अब आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा चादर बदलो। आप कभी इनसिक्योर फील कर रहे हो, बेकार फील कर रहे हो, आपकी बीवी 4 बार टाइम पे पहुंचती है और 5वीं और आप टाइम पे नहीं पहुंचते हो जब वो रहती है अरे यार जब वो टाइम पे पहुंचती है, ठीक है, वो पंक्चुअल है, लेकिन आपके अंदर ये नेगेटिव है कि आप हमेशा 10 मिनट लेट होते हो, 5 मिनट लेट हो, आपकी आदत ही वैसी पड़ी हुई है। वो समझेगा सामने वाला? वो ये नहीं कहेगा मैं हर बार टाइम पे आती हूँ तुम लेट क्यों आते हो, कहाँ गई तुम्हारी फ्रीडम? दो लोग साथ में रह रहे हैं, दोनों सफर कर रहे हैं, दोनों का माइंड बहुत बुरी तरीके से हाइपर पोलराइज्ड है, हाइपर एक्टिव है,
एट ईज नहीं है, वो दोनों लोग साथ में रह लेंगे, तलाक का क्यों रेट बढ़ रहा है? मोबाइल खरीद रहे हो, खरीद तो लिया मोबाइल, सोशल मीडिया के एडिक्शन से रोक पाओगे? यूट्यूब के एडिक्शन से रोक पाओगे? ले लिया, कुछ सोच के लिया, अरे ले तो लिया, लोने लेने की दिक्कत नहीं है, क्या आने वाला है वो देखो, किस कॉस्ट पे लिया? एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। इस संसार में कुछ भी तुम लोगे, जनरल स्टोर है ये संसार, जाओ लो उधार हो गया, अब वो वापस देना पड़ेगा आपको। कैसे दोगे? वो आपकी सफरिंग से, आपके फ्रीडम का केक कटेगा, तुम्हारे फ्रीडम का केक कटेगा। सिंपल सा क्लियर है, फ्रीडम पूरी चाहते हो, संसार छोड़ दो। मन के स्तर पे संसार को उतना ही रखो जितना चाहिए, संसार पे आश्रित ही मत हो, मतलब पैसे, पैसा कमाओ, पैसे पे आश्रित मत हो, किसी लड़की पे आश्रित मत हो, अपनी इंटर, आपका जो खुशी है वो खुद की होनी चाहिए, इंटरनल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। मोक्ष संसार से पाना है, शरीर से नहीं। लोग कहते हैं इच्छा मृत्यु महासमाधि, अरे बेवकूफ हो क्या? डिजायर से मोक्ष प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि डिजायर जो है वो आपकी फ्रीडम का केक काटता है। जैसे कुछ भी आप अचीव करोगे, आपका फ्रीडम का केक कट जाएगा, पटाक से इमीडिएटली आपका फ्रीडम का केक कटा रहेगा। तो इस सब पूरे छलावे, पूरे महाभारत के युद्ध में आप मर तो सकते नहीं हो, तो अब आपको उसके लिए एक ऐसा शस्त्र चाहिए जो इस महाभारत में युद्ध में आपको हेल्प करेगा। वो शस्त्र है अध्यात्म। लेकिन अध्यात्म का शस्त्र उठाने के लिए बाकी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के लिए रेडी हो? नहीं नहीं नहीं, हम तो इसका मतलब तुम्हें अभी उसकी नेगेटिविटी दिखी नहीं। हम नहीं छोड़ पाएंगे, हमें नहीं, हमें कार चाहिए, हमें पद प्रतिष्ठा सम्मान चाहिए, एक एक मंत्री बन गए, विधायक बन गए, दूसरी पार्टी ने फंसा दिया, जेल चले गए, चले गए। अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं, ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने वो शराब वाला किया या नहीं किया, मैं उसकी बात नहीं करता हूं। लेकिन अगर चलो मान लो, एक क्या ये होता नहीं है? क्या तुम्हारी इस पद की वजह से तुम जेल में नहीं हो? क्या तुमने ये सोच के तुम पीएम बने थे, सीएम बने थे कि मैं आगे चल के जेल में जाने के लिए रेडी हूं? क्या यही जीवन है कि एक पावर चाहिए? वो पावर से कितने बड़े बड़े रिपरकशंस, कितनी नेगेटिविटी आती है आपके पास। इतना दैट पावर, जितनी बड़ी पावर लोगे, दैट कम्स विद अ कॉस्ट। आप सब कुछ सही कर रहे हो, कोई दूसरा पार्टी आपको फंसा देगा, जेल में चले गए, कर हो रेडी इसके लिए? जब तुमने सीएम का पद चालू किया, जब तुमने पार्टी बनाई, तो उस वक्त तुमको पता था ये होने वाला है क्या? राजनीति, राजनीतिज्ञ बनने के लिए क्या आपको पता है सब कुछ बढ़िया ही रहता है? एवरीथिंग इज अ पीस ऑफ केक। हर चीज का नेगेटिव है, वो देखते ही नहीं हम। इसीलिए मैं बोलता हूं, लॉ ऑफ डुअलिटी मैंने जो डिस्कवर करी, उसने मेरे जीवन को चेंज कर दिया। कुछ भी आपको कोई आगे से आके ऑफर कर रहा है, उसका एक पॉजिटिव साइड है, उसका एक नेगेटिव साइड है। और पॉजिटिव जो है, पनीर खत्म हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव ही बचेगा। मतलब ये संसार में कुछ भी पालो, आखिरी में आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो नेगेटिव ही रहेगी। तो संसार को पाने का मतलब ही क्या है? संसार पे आश्रित होने का मतलब ही क्या है? पनीर ही खत्म हो गया, पिंजरा ही बच गया। या तो पनीर खत्म हो जाए, पिंजरा खुल जाए, तब तो ठीक था कि चलो, मतलब शादी किया, अब शादी में मजा नहीं आ रहा है, अलग अपने आप ही सब सही हो गया, भगवान ने छड़ी घुमाई, अपने आप अलग अलग हो गए, अपने आप मेमोरी मिट गई, अपने आप मेमोरी इरेज हो गई। पनीर खाया तो पिंजरा खुलना चाहिए ना, पर संसार में ऐसा नहीं होता है। आपको पनीर खींचेगा, आओ पनीर 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 पनीर, चूहा घुसा पनीर, जब तक वो खा रहा पीछे तो गेट बंद हो गया, और पीछे मुड़ा गेट बंद है, अरे पनीर खा ली अब तो गेट खोलो, नहीं।
तो ये पूरा का पूरा संसार एक जाल है, इसीलिए इसको माया जाल बोला जाता है। माया मतलब क्या? पनीर। जाल मतलब वो पिंजरा। अब समझ में आया आप लोगों कि उपनिषद संसार पे आश्रित होने के लिए क्यों मना करते हैं? जो कुछ भी तुम पाना चाहते हो, जो कुछ भी तुम उपलब्धि चाहते हो, कोई भी पद चाहते हो, कोई भी प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, कुछ भी चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, कुछ भी तुम चाहते हो जो इस पृथ्वी नामक ग्रह पे मौजूद है, कुछ भी तुम चाहते हो, फिर से बोलता हूं, कुछ भी तुम चाहोगे, चाहे सिंगर बनना, एक्टर बनना, प्रधानमंत्री बनना, कुछ भी चाहोगे, एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। वो कॉस्ट तुम देखते नहीं हो। और पनीर खत्म हो जाएगा और सिर्फ कॉस्ट बचेगी, सिर्फ पिंजरा बचेगा। मतलब क्या कि अगर तुम माइकल जैक्सन हो तो शुरू में शोज करने में मजा आएगा, शुरू में गाने निकालने में मजा आएगा। द मोमेंट इट बिकम्स अ रिपीटेटिव लूप, आप ट्रैप्ड हो उसमें, आपकी मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ जाएंगी। और आए थे आप मेंटल हेल्थ के लिए। That is why Michael Jackson died. That is why Chester Bennington died. Because he was a metal singer. Linkin Park, इतना बड़ा बैंड है वो मर गया। क्यों मरा? क्योंकि वो चीज़ जो उसके पास थी वो उसके लिए काफ़ी नहीं थी। को समझ में आ चुका था। वो कुछ क्विटर्स हैं, कुछ लोग क्विटर्स हैं, कुछ लोग हैं जो प्रिटेंडर्स हैं, जैसे दिशा पाटनी, मोनी रॉय, ये बड़े बड़े जो नाम हैं, ये अपने आप को बड़ा ऐसा दिखाएंगे, हम तो बड़ी अच्छी लाइफ चले, हम बाली में हैं, हम यहाँ पे, अंदर मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ी पड़ी है। क्यों? क्योंकि लूप खत्म हो गया ना। आप एक्टर बन गई, आप एक्ट्रेस बन गए, 4-5 साल बीत गए, खत्म, रस खत्म हो चुका है। किसी भी सेलिब्रिटी के पास रस नहीं है, मजा नहीं आता है। देर इज नो रस आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो आदमी क्या करता है? कुछ नया लाने की चेष्टा करता है, कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया, वैरायटी में जाता है कि अच्छा अब मैंने ब्लैक होल की एक मूवी बना ली है तो अब मैं इंटरस्टेलर बनाऊंगा, अब मैं ये बनाऊंगा, अब मैं वो स्टेलर बनाऊंगा, अब मैं साइंस फिक्शन की ये मूवी बनाऊंगा। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत उसका सर्वाइवल चल रहा होता है। लेकिन जो आदमी बार बार लव स्टोरी बनाए जा रहा है, बड़ा 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 लव स्टोरी, लव स्टोरी, लव स्टोरी, आप देखोगे कि इसीलिए तो बॉलीवुड की धज्जियाँ उड़ गई। बॉलीवुड की धज्जियाँ क्यों उड़ी? पहली बात तो संसार, उपनिषद ये कहते हैं कि अगर आपको संसार में ही जीना है तो कुछ नया लाते रहो, थोड़ा बहुत, वो भी आपको हेल्प करेगा। मतलब एक तरीके से आपको विकलांग को बैसाखी, एक आदमी है वो अपंग है, उसको बैसाखी मिल गई, या तो फिर ऊपर और ऊपर के स्तर पे आ जाओ, आध्यात्मिक स्तर पे। तो वहाँ पे अगर आना चाहते हो ये सब छोड़ना पड़ेगा मन के स्तर पे। किसी भी चीज़ को पकड़े रहना और ना छोड़ना सफरिंग क्रिएट करता है, और अगर किसी चीज को पकड़ोगे तो भी सफरिंग क्रिएट करता है, छोड़ोगे तो भी सफरिंग क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि करोगे क्या? सब छोड़ दिया, आप कुछ तो चाहिए पकड़ने के लिए। तो संसार को छोड़ोगे तो भी सफरिंग है, संसार को पकड़ोगे तो भी सफरिंग है। या तो छोड़ो तो कुछ बड़ा पकड़ो जो अभौतिक हो, जो भौतिक से परे हो वो पकड़ो। जैसे ही तुम संसार पकड़ोगे इमीडिएटली उसका एक पनीर तो उस समय खा रहे होगे आप, क्योंकि शुरू के 6-7 महीने आपको बड़ा मजा आता है, और जैसे ही आप पीछे घूमोगे पिंजरा बंद हो गया, अब आप निकल ही नहीं पा रहे हो। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रह ही नहीं पा रहे हैं और रहते चले जा रहे हैं, बेचारे छोड़ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही वो छोड़ने की कोशिश करता है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वो छोड़ने की कोशिश करेगा, उसका कॉल आ जाएगा, और फिर वो छोड़ने की कोशिश करेगा, वो कॉल कर देगा, तो दोनों लोगों में से या तो एक कोई कॉन्टैक्ट को तोड़ दे पूरी तरीके से, लेकिन कॉन्टैक्ट जुड़ा हुआ कभी SMS आ गया, कभी 1 महीने बाद वापस फिर चालू हो गया। तो जिस चीज़ के चक्कर में तुम गए उस चीज़ ने ही तुम्हें फंसा दिया। अब लड़की तो मिल गई लेकिन द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है। अब कॉन्फ्लिक्ट छोड़ने के रिलेशनशिप तुम तोड़ोगे, यू विल ब्रेक द रिलेशनशिप, पर वो सामने से कॉल आ जाएगा, आप तोड़ ही नहीं पाओगे। अब तोड़ो, मरे फंसे रहो। अच्छा तोड़ के अब उसने छोड़, अगर मान लो उसने छोड़ दिया, 1 साल बाद फिर तुम्हारी चेष्टा उठेगी किसी दूसरी लड़की के पास जाने के लिए, फिर तुम फंस जाओगे। और उससे गलती से अगर खुदा ना खास्ता शादी हो गई,
तब तो तुमने चूसा उसको अच्छे से 6-7 महीने, उसके मानसिक चाय पिया, लद्दाख गए, बाल खोले, व्लॉग बनाए, दिशा पाटनी की तरह ऊपर बाइक पे चढ़ गए, है ना, R15 तुम्हारी कावासाकी निंजा और ZM2R व्हाटएवर जो भी कौन कौन सी बाइक्स होती है तुम्हारी, रेंज रोवर्स, ये सब तुम्हारे पिछवाड़े में घुस जाएगी, क्योंकि इन सब में 3-4 महीने मज़ा आता है, उसके बाद ख़त्म। अब क्या करोगे? अब तो फंस गए, अब तलाक दोगे? बच्चा हो गया, तलाक दो, दो तलाक, निकल पाओगे? गाड़ी खरीद ली, 2 लाख रुपए EMI चला गया, उसका डिफॉल्टर हो गया, गाड़ी भी छीन ली, 2 लाख रुपए वापस नहीं मिला, अब बताओ कहां से लाओगे 2 लाख रुपए? गाड़ी भी ले ली, अब बताओ क्या करोगे? घर बनाएंगे, घर बना लिया, EMI सर पे चढ़ गई, फ्रीडम खत्म, अब क्या करोगे? तलवार लटक रही है, बस हर तरफ तुम्हारे लगे हुए हैं, क्यों लगे? अरे तुम्हारे खुद ही लगे हुए, क्यों? क्योंकि तुमने खुद एल लगवाए अपने, फिर बहुत सारे कुछ महापुरुषों के पास जाओगे, वो कहेंगे एक ऐसा काम पकड़ो जिस काम में क्रिएटिविटी हो, और वो काम ही तुमको संतुष्टि करेगा, बिजनेस करो। बिजनेसमैन जितने, इलॉन मस्क के 4 तलाक हो गए, जेफ बेजोस के 2 तलाक हो, 1 तलाक हो गया, बिल गेट्स का तलाक हो गया, तुमको दिख नहीं रहा कुछ, तुम इतने बेवकूफ हो, तुमको दिखाना पड़ेगा उनकी लाइफ में क्या चल रहा था, कुछ तो होगा ना, कुछ प्रॉब्लम हो रही, मेंटल हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम होगी ना, तभी तो नहीं बन पा रही एक दूसरे से। एक काम में अपना नशा लगा दो, अरे तो माइकल जैक्सन क्यों मर गया? एक काम में नशा लगा दो, चेस्टर वेलिंगटन मर गया, हेज लेदर मर गया जोकर का, एक काम में, एक काम, काम 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 साले, काम चाहे काम हो, चाहे तामसिक काम हो, चाहे राजसिक काम हो, कोई भी काम हो साला, कोई तुमको संतुष्ट नहीं कर सकता। अब बताओ मेरे को, हर चीज का एक पॉजिटिव साइड है, और पॉजिटिव पनीर खत्म होगा, पिंजरा फंस जाएगा, अब बताओ क्या करूं? है तुम्हारे पास कोई उत्तर? तुमको लगता है उपनिषद के महर्षि बेवकूफ थे? वो लिख के नहीं जा सकते थे कि चलो डांसर बन जाओ खुशी मिल जाएगी, सिंगर बन जाओ खुशी मिल जाएगी? वो बेवकूफ है जो कह रहे हैं कि साधना करो और आत्मज्ञानी बन जाओ। तुमको लगता है ये निवारण है ह्यूमन सफरिंग का, कि तुम मंगल ग्रह पे जा रहे हो? तुमको लगता है वहां पे संतुष्टि मिलेगी? 4 तलाक तुम्हारे हो गए, तुम्हारे मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ पड़ी, तुम 30-40 साल बाद तुम मरने वाले हो, तुमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर दिया, सिविलाइजेशन एडवांस कर दी, तुमने अपने लिए क्या किया? अपने लिए क्या किया तुमने? तुम एज अ पर्सन ग्रो हुए हो मौत की चिता पे, या तुमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करी है? तुमने अपने लिए क्या किया? व्हाट इज द पर्सन, द ग्रोथ ऑफ द पर्सन, व्हाट हैपेंस टू द पर्सन? अपने आप को अपडेट किया तुमने? कुछ नहीं, बस काम बढ़ाते चले जाओ। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं काम मत करो, काम तो करना ही पड़ेगा, मैं भी काम कर रहा हूं यार, लेकिन मैं किसी चीज को पकड़ के नहीं बैठा हूं कि अगर एक तरफ वो टग ऑफ वॉर चल रहा है, अगर आप रस्सी खींचोगे मैं छोड़ दूंगा रस्सी, एक तरफ एक लेवल तक जाके मैं रस्सी पकड़ूंगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रस्सी खिंचाव है, मुझे लगता है मैं नहीं खींच पाऊंगा, तो मैं छोड़ दूंगा, और मैं बहुत खुशी खुशी छोड़ूंगा। जीवन कुछ नहीं है, जीवन टग ऑफ वॉर है, यहाँ पे पकड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे छोड़ना इम्पोर्टेंट है। छोड़ पाओगे? मंगल के मरने वाले हो और मंगल का मिशन तुम्हारा पूरा नहीं हुआ है, छोड़ पाओगे? कंटेंटफुली मर पाओगे? सिंगर बनने का सपना नहीं पूरा हुआ, अभी मरने वाले हो, मन पाओगे? जमीन बनवाना था, घर बनवाना था, मरने वाले हो, छोड़ पाओगे? 20 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने वाले, 19 मिलियन पे मरने वाले हो, छोड़ पाओगे? तुम्हारा बच्चा अपंग पैदा हो गया, छोड़ पाओगे? 1 साल के लिए अपने डिजायर्स को छोड़ पाओगे? पिस्तौल की नोक लगा दे, सब कुछ छोड़ पाओगे? पकड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पकड़ो, कितना पकड़ो, जो भी पकड़ना पकड़ लो, छोड़ना इंपॉर्टेंट है। छोड़ने के लिए कुछ बड़ी चीज पकड़नी पड़ेगी,
वो उपनिषद का हमारा निवारण है। कुछ गुरुज कहते हैं यूट्यूब पे, अगर खुशी चाहते हो काम में अपने आप को झोंक दो। झोंक के देख लो, सब काम ही में तो झोंक रहे हैं। इलॉन मस्क भी तो काम पे झोंक रहे हैं। कौन काम में नहीं झोंक रहा भाई? कितने लोगों ने काम में झोंका अपने आप को? आप उनसे अच्छा काम कर पाओगे? जोमैटो का ओनर जो है दीपेंद्र, उससे अच्छा तुम काम कर पाओगे? मेंटल हेल्थ की देखो कैसे धज्जियां उड़ी है सबकी। सब या तो प्रोस्टिट्यूट बुलाते हैं, या तो ड्रग्स करते हैं हिडन में, और या तो तलाक हो गया उनका। कुछ ना कुछ नेगेटिव मिलेगा। तो आपने आपको सब कुछ मिल रहा है, बेस्ड ऑन व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ छोड़ दो, फिर से मैं कह रहा हूं सबको, मैं कह रहा हूं कि पकड़ो पकड़ो, बड़ी तेजी से पकड़ो। लेकिन रस्सी का खिंचाव बहुत ज्यादा अगर हो गया ना, तो छोड़ने की चेष्टा भी रखो, क्योंकि अल्टीमेटली जीवन छोड़ना ही है तुम्हें। जीवन अनंत नहीं है, मौत जो है वो अटल है। तो हर चीज, सिर्फ शरीर की क्यों मौत होनी चाहिए? वासना की कोई मौत क्यों नहीं हो रही है जीवन में रहते रहते? शरीर तो मर गया, वासना कंटिन्यू रहेगी। सब कुछ छोड़ो, छोड़ने का प्रयास करो, पकड़ो। लेकिन जब मैं कहूं छोड़ दो, छोड़ दो, जब ज्यादा सिचुएशन स्ट्रांग हो रही है तो छोड़ दो। लोग कहते हैं कि अध्यात्म क्या सब कुछ छुड़ाना चाहता है? नहीं, जो आपने चिपक, आपके आपके हाथ में चम्मच चिपक रखा है, चम्मच निकल नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं चम्मच निकल जाए जब कहो, और जब चाहे छूट जाए। इस दुनिया का मीनिंगलेसनेस देख लो। अगर आप देखोगे, पनीर खत्म होते ही पिंजरा बंद रहता है। पनीर खत्म होने का पिंजरा खुलना चाहिए था। ये प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पनीर खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये पिंजरा खुल नहीं रहा है। अगर पिंजरा खुल गया होता तो उपनिषद कहते पनीर खाओ, पिंजरे से बाहर निकल आओ। लेकिन तुम पिंजरे से बाहर निकल ही नहीं सकते हो। इसीलिए लोग डाइवोर्स नहीं दे पाते हैं। आप किसी भी चीज को डाइवोर्स नहीं दे पाओगे जब तक आपके पास कुछ बड़ा ना हो पकड़ने के लिए। कुछ भी तुम नहीं छोड़ पाओगे, और मेंटल हेल्थ की तुम्हारी धज्जियां उड़ी रहेंगी। क्योंकि मेंटल, ये जो काम है आपका, काम धंधा व्यापार, ये एक लेवल तक आपका हेल्प करेगा। उसके बाद फिर आपकी मेंटल हेल्थ की धज्जियां ऐसी उड़ेंगी कि आपके रिलेशनशिप्स पे आएगा वो। आपका एंगर बहुत ज़्यादा रेज हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा मैं हो क्या रहा है। बस आप जीवन सुबह उठोगे काट रहे हो, एक मशीन की तरह जीवन आपके दिन कटते जाएंगे, एक पत्ते जैसे ताश के पत्ते होते वैसे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि जीवन की ब्यूटी आप कभी फील ही नहीं कर पाओगे। आपने सिर्फ एक चीज़ की ब्यूटी फील करी, वो है काम, और वो ब्यूटी पनीर का टुकड़ा है। वो ब्यूटी से अगली कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास बहुत सारे म्यूजिशियंस आते हैं, कहते हैं कि सर महीने दो महीने में एक बार हम स्टूडियो में जाते हैं। वैसे तो रोज़ स्टूडियो में जाते हैं, लेकिन महीने दो महीने में हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते हैं, कभी कभी एक बार मज़ा आता है। मैंने कहा वो तो आएगा ही। आपको क्या लगता है, गाना ही गाते रहते हैं क्या हम लोग सारे म्यूजिशियंस? म्यूजिशियन गाना गांजा क्यों पीता है, कोकेन क्यों पी के स्टेज पे चढ़ रहे हो तुम? इसका मतलब तुमको म्यूजिक हेल्प नहीं कर रहा है। वही सेम चीज आपका एंटरप्रेन्योर में है, आप पायलट हो, जो भी है आपका क्रिएटिव वर्क, आप ड्राइंग कर रहे हो, पेंटर हो, डांसर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, स्क्रीन प्ले राइटर हो, या स्क्रिप्ट राइटर हो, जो कुछ भी हो आप, ऑल गोज इन दैट। Everything comes with a cost. Now, next time, whenever you are going to achieve something, please look at the negative side of that and then go into that. And please understand this one concept altogether. Paneer khatam ho jaega. Peeche mudoge pinjra band hoga. Thank you so much. Take care. Bye.